रीयूज, रिड्यूस और रीसाइक्लिंग पर जोर। प्राकृतिक अक्षय ऊर्जा हुई भरपूर, स्वच्छ इंजन, खुशहाल पर्यावरण। प्रधानमंत्री का मिशन प्रो प्लैनेट पीपल हरित जीवन। विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत विकासशील से विकसित होने की ओर अग्रसर है, लेकिन किसी भी राष्ट्र के विकास का पैमाना सिर्फ उसकी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती, बल्कि ये विकास इस बात पे भी नापा जाएगा कि धरती को रहने योग्य बने रहने के लिए उसका कितना योगदान है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हरित विकास की बात करते हैं। हरित विकास यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह ना हो, जिसमें धरती, जलवायु, हवा, पानी सब सुरक्षित रहे, और इसके लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को आदत बनाने का आह्वान किया। क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए प्रधानमंत्री के विजन में जन भागीदारी का अहम स्थान है। स्वच्छता से लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने तक उन्होंने लोगों को पर्यावरण में योगदान देने और जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया है। इस उद्देश्य को मिशन लाइफ का नाम देकर, उसे जन आंदोलन का रूप देकर उन्होंने ये तय किया है कि इसका स्थायी और बड़े पैमाने पर असर हो। स्वच्छ भारत मिशन के चलते अब भारत खुले में शौच मुक्त देश बन गया है। मिशन नमामि गंगे को संयुक्त राष्ट्र ने इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा भारत की पर्यावरण अनुकूल संस्कृति के बारे में बात करते हैं। रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल भारत की परंपराओं और संस्कृति का हिस्सा है, और इन्हीं प्रथाओं को वापस लाने और स्थायी विकल्प बनाने की दिशा में काम करने को प्रधानमंत्री ने लक्ष्य बनाया है। कई सरकारी योजनाएं जैसे कि उज्ज्वला योजना, अमृत सरोवर और वेस्ट टू वेल्थ का उद्देश्य कार्बन फुटप्रिंट को कम करके वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार करने के साथ ही पानी का संरक्षण करके एक स्थायी वातावरण बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन सब पर पहल का नतीजा है कि आज भारत के पास चौथी सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में भी हम चौथे स्थान पर हैं। पिछले 9 वर्षों में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 380% की वृद्धि हुई है। उज्ज्वला योजना, पाइप्ड कुकिंग गैसों ने अब 3/4 से अधिक आबादी को कुकिंग के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में राहत मिली है। रेलवे लाइंस के विद्युतीकरण के प्रयासों से रेलवे अब 0 कार्बन फुटप्रिंट के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बीते 9 सालों में भारत क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। एक ओर एमिशन रिडक्शन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज समझौते पर बातचीत, तो दूसरी ओर रिन्यूएबल एनर्जी के भरपूर इस्तेमाल तक देश पर्यावरण संरक्षण के लिए हो रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की अगुवाई कर रहा है। ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में दुनिया को पंचामृत का मंत्र दिया, जो व्यापक दृष्टिकोण के साथ एक ऐसा रास्ता तैयार करता है जिसका पूरा वैश्विक समुदाय बार बार अनुसरण कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के क्लाइमेट जस्टिस के सिद्धांत ने COP21 से ये सुनिश्चित किया है कि जलवायु पर होने वाले वार्ताओं में इक्विटी कंसर्न को नजरअंदाज नहीं किया जाए। भारत का निष्पक्ष समझौते पर जोर है और वो वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की आवाज के रूप में उभरा है। भारत की सक्रिय भागीदारी ने ये सुनिश्चित किया है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। साथ ही जलवायु से संबंधित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देश सफल हो रहा है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए 2070 को नेट जीरो एमिशन के लिए भारत का टारगेट ईयर घोषित किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए मोदी सरकार के उल्लेखनीय कार्यों के परिणाम स्वरूप कई सराहनीय उपलब्धियां हासिल हुई है। देश में फॉरेस्ट कवर तेज रफ्तार से बढ़ा है। पिछले एक दशक में भारत में बाघों की आबादी
बढ़कर दोगुनी हो गई है। जहां कई देश जलवायु से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे, वहीं भारत ने समय सीमा से काफी समय पहले ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया। भारत ने COP21 में नॉन फॉसिल सोर्सेज से बिजली क्षमता का 40% प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया और टारगेट के 9 साल पहले ही सफलता हासिल कर ली। पीएम मोदी के अहम फैसलों और कुशल नेतृत्व में आज भारत नवीकरण ऊर्जा को स्थापित करने, पवन ऊर्जा उपयोग और सौर ऊर्जा उपयोग के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश है। इतना ही नहीं, आज भारत को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अध्यक्षता के लिए लगातार तीसरी बार चुना गया है। बीते 9 सालों में भारत में एशिया का सबसे बड़ा रामसर वेटलैंड्स नेटवर्क है। बेहद कम समय में ही भारत में दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना हुई है। बीते 9 सालों में क्लीनर और रिन्यूएबल सोर्सेज की दिशा में तेज बदलाव हो रहे हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में रिन्यूएबल एनर्जी में वृद्धि दर भारत में सबसे अधिक रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन में टैरिफ में भारी कमी आई है। इसके अलावा उजाला योजना के तहत करोड़ों LED बल्ब वितरित किए गए हैं। इससे हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई है और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका गया है। प्रधानमंत्री मोदी जैविक और पारंपरिक खेती को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीएम कुसुम योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, ये सब वो प्रयास हैं जो धरती की सेहत सुनिश्चित करने में भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत न केवल हरित विकास की ओर अग्रसर है, बल्कि वो दुनिया को लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का संदेश देकर P3 यानी कि प्रो पीपल फॉर प्लैनेट बनने के लिए भी प्रेरित कर रहा है।